गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो ड्राइवर के ऊपर है। ये है बेस वेरिएंट, इसको हम करोल बाग लेके चलेंगे मॉडिफिकेशन करवाने, और ये इसकी है सिमरन की। तो अभी इसको हम करोल बाग लेके चलेंगे कार हट के अंदर, और ये RXC वेरिएंट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये क्या बोलते हैं, ये ओवर व्यू भी ये ब्लैक वाले आते हैं, और ये एडजस्टेबल भी नहीं है। तो जो भी काम होगा वीडियो में बने रहे, आपको टोटल एंड तक दिखाते हैं। तो हम जो अपना काम करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं कार हट से, क्योंकि ड्राइवर की जो भी हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी इन्हीं की सबसे ज़्यादा वीडियोस थी। तो अभी आए हैं, अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा, और जो भी होता है आपको दिखाते हैं वीडियो में। थोड़ा कम करवा लीजिए हो गए, स्पीकर कंपोनेंट जोड़ो, कैमरा क्रोम किट लिखूं। क्रोम किट कौन सी, वो हैंडल वाली जी? हेडलाइट क्या करना, टच स्क्रीन वगैरह का काम होगा, और पाइनियर के सीरीज लग रहे हैं, दो कंपोनेंट और दो को एक्सल और टच स्क्रीन लगेगी इसके अंदर अभी, और बाकी रूफ रेल वगैरह काम है। अभी आपको सारा काम दिखाते हैं। क्रोम गार्निश आ गई है, और ये हॉर्न नो एयर पे गया। बाकी स्पीकर का काम स्टार्ट हो गया है। एयरिंग आपने लगाई है फिर पहले से ही थी? आपने लगाई है कि पूरा गत्ता खुलता है कि पूरी? बाकी जो पीछे पावर विंडोज है ये सब बाद में करवाएंगे, और सीट कवर वगैरह का काम बाद में होगा। बाकी सेंटर लॉकिंग का काम है ये RD का, और इसके अंदर फ्लिप की लगेगी। फ्लिप की इसके अंदर नहीं आती भैया? ठीक है, और ये जो भी है सेंटर लॉकिंग का काम होता है उसके बाद आपको सारे गत्ते खुल चुके हैं, और आप देख सकते हैं अंदर वायरिंग का काम हो रहा है, स्पीकर की वायरिंग का, और तो बहुत टाइम लगेगा। ये सेंटर लॉकिंग का काम है, ये फ्लिप की अभी इसी के अंदर लगेगी। बाकी आप ये देख सकते हो क्रोम गार्निश का काम हो चुका है, ये हैंडल पे क्रोम लग चुका है, और म्यूजिक सिस्टम का काम में टाइम लगता है बस। आगे देख सकते हो टच स्क्रीन, ये कौन सी मेगासोनिक वाली है? ऑडिशन वाली है, 232 है ना? 232 लिखा है प्रॉपर स्पीकर को। सर यूट्यूब वगैरह तो सब चलेगा इसके अंदर? 232। और ये वर मेगासोनिक का भी देख लीजिए, दोनों 9 इंच ही है, सेम जैसे ही है दोनों, कुछ फर्क पता चल नहीं रहा। बाकी देखते हैं लगवा के। फिर देख सकते हैं अभी ट्रिपर गई है, और इस पे बोर्ड खुल चुका है टच स्क्रीन लगने के लिए, और इधर सेंटर लॉकिंग का काम हो रहा है गेट पे, और ये पायनियर के लग चुके हैं, और ऊपर रूफ रेल लग गई है, और साइड में रेन वाइजर लग गए क्रोम वाले। अभी ये ब्लू वाली क्लॉथिन हटेगी उसके बाद दिखेगा। आगे टेप से इसको स्टक करा है थोड़ी देर के लिए। प्लेसिंग हो चुकी है इधर। बाकी आपको पूरी क्वालिटी वगैरह जो भी सारा प्राइस वगैरह जितना भी काम हुआ है आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। टच स्क्रीन भी लग चुकी है, सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो के एंड तक। पुलिस लाइट जो होती है भी लगेगी ग्रिल के अंदर। तो अभी ग्रिल खुल रही है, हॉर्न लगेगा, पुलिस लाइट लगेगी, और सायरन इसके अंदर हॉर्न लगेगा और पुलिस वाली लाइट लग रही है नीचे, देख सकते हैं पूरा बम्पर खुलता है। इसके लिए भी आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाता हूँ। बहुत लाउड वॉइस है, और अभी सायरन लगना बाकी है, उसके बाद आपको टोटल ओवरव्यू दिखाएंगे इसका, और अभी व्हील कवर भी लगेगा। सायरन आ गया है माइक वाला, और बाकी अभी व्हील कवर लग रहे हैं ये वाले, और ये अभी सायरन लगेगा, फिर आपको उसके बाद सुनाता हूँ माइक के साथ। जाके कार का काम पूरा कंप्लीट हुआ है, आपको मैं मॉर्निंग में इसका पूरा ओवरव्यू दिखाऊंगा कि क्या क्या काम हुआ है, और विद प्राइसिंग दिखाऊंगा टोटल जो भी है, तो स्टे ट्यून्ड। बात करते हैं जो पहली मॉडिफिकेशन है जो मेजर होती है, ये वो थी फ्लिप की विद RD की सेंटर लॉकिंग। तो इसकी मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। तो ये है फ्लिप की के साथ, और ये चारों विंडोज़ की होती है सेंटर लॉक, और इसके साथ एक और हमने इसके साथ लगाया ये व्हील कवर 14 इंची में,
आप देख सकते हैं, और साथ में फिर मड फ्लैप है। इसके लिए कंपनी वालों ने अलग से चार्ज करा था, 8000 का पैक उसी के अंदर था ये। और बाकी साइड मिरर का काम है ये हम बाद में करवाएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक वाले लगवाने हैं ना इसके अंदर। और फिर ये क्रोम गार्निश की पूरी लगी है किट, ये देख सकते हैं, ये हैंडल क्रोम है और ये क्रोम गार्निश है। ये चारों डोर की है और ये 6 पीस का है ये क्रोम का सेट। और इसके अंदर ये देख सकते हैं इसके, और ये कर्टेन लगवाई है साथ में, कर्टेन भी है। ये 6 पीस की कर्टेन है ना, क्रोम वाला है ये भी 6 पीस का होता है। और साथ में है, और पीछे तो, और पीछे कैमरा लगा है, कैमरा की क्वालिटी भी आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। बाकी तो यही है, अभी अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं। और आपको पुलिस लाइट लगाई थी वो दिखाते हैं, रिमोट है पुलिस लाइट का, ये आपको दिखाते हैं। इसके अंदर 2 सेट लगे हैं, ये इधर लगा है ग्रिल के अंदर, ये देखिए। इसके अंदर बहुत सारे सेट आते हैं, पर हमने इसी पे सेट करा हुआ है, बहुत सारे पैटर्न आते हैं इसके अंदर। बाकी अंदर अंदर से जो हमने ये टच स्क्रीन लगाई है, जो कि एडिशन की है, अरे पहले आवाज़ करेगी। और ये फ्रेम के साथ लगती है, 9 इंचज़ की है, 32 2GB रैम और 32 इंटरनल। इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले नहीं आता। इसका इंटरफेस देख सकते हैं आप, बहुत स्मूथ चलता है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। 2 दिन यूज़ करा है अभी तो हमने, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आपको मैं रियर कैमरे का व्यू दिखाता हूँ, ये सेंसर के साथ है, अरे देख सकते हैं, मैं बैक करके दिखाता हूँ। मूविंग कैमरा है ये, अभी तो ज़्यादा दिखेगा नहीं कुछ, क्योंकि पीछे भी कुछ है ही नहीं दिखाने लायक। बाकी इसकी क्वालिटी HD क्वालिटी है पूरी। बाकी और इसके अंदर लगे हैं पाइनियर के आगे 2 कंपोनेंट लगे हैं, पीछे 2 कोएक्सल लगे हैं, और साथ में यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग यहाँ पे करी है, क्योंकि इसके अंदर एडजस्टेबल के लिए कुछ आता नहीं है इसलिए। बाकी अभी इसके अंदर बहुत सारा काम बाकी है, अभी मैटिंग करवानी, क्या क्या करवाना है इसके अंदर अभी? इसमें अभी सीट कवर करवानी, हाँ सीट कवर होगी, हाँ फ्लोरिंग करानी है, मैटिंग करानी, मैट करवाना है 70, और बाहर जैसे ऑटो फोल्डेबल लगाना है मिरर, हाँ और छोटा मोटा और काम है वो भी करवाना है। बाकी इंटीरियर में जैसे ये है, ये सब पियानो ब्लैक करवाएंगे, क्योंकि इसके लिए कार हमें छोड़नी पड़ती है जो हमें अर्जेंट में चाहिए थी। बाकी स्टेयरिंग का भी देखेंगे, इसका स्टेयरिंग भी वो बोल रहे हैं कि 3500 या 4500 के अप्रोक्स आएगा, जो पूरा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ आता है। इसको आपको हॉर्न सुनवा दूँ, ये क्रेटा वाले हॉर्न लगवाए, और इसके अंदर सायरन भी लगवाया है। एक सेकेंड, इसके अंदर 3 मोड आते हैं, ये वाला फायर ब्रिगेड वाला है ना, और एक ये पुलिस वाला, और ये माइक के साथ है, इसको प्रेस करके रखेंगे तो बाहर आवाज़ जाएगी। बाकी और पावर विंडोज़ वगैरह का काम अभी आपको आगे की विंडोज़ में देखने को मिलेगा। तो यही थी, और टोटल प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो ये टोटल कुछ ये 6500 का पड़ता है फ्रेम को लगा के, 5500 रुपये, क्योंकि आपको अगर YouTube पे वीडियो देखोगे ना तो वो सिर्फ इसका रेट बताते हैं, ये वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि इसके अंदर फ्रेम भी लगता है और छोटे मोटे कपलर जैसे स्पीकर लगेंगे तो उसके अंदर वो कब लगता है उसके अंदर, उन सबके प्राइस अलग होते हैं। तो इसके टोटल जो, हाँ रिंग, तो इसके टोटल मॉडिफिकेशन की कॉस्ट आई है अप्रोक्स 30 to 32,000, वही 30 से 32,000 के अंदर हुई है जो इसकी बेसिक मॉडिफिकेशन हुई है। बाकी इसके अंदर अलॉय व्हील वगैरह भी लगेंगे, तो आपको बाकी नेक्स्ट आगे वीडियोस में दिखाते हैं, और जो भी रहता है इसका रिव्यू वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा कार का ड्राइवर का। और बाकी थोड़ा बहुत काम कंपनी से भी हुआ था इसलिए थोड़ी प्राइसिंग बढ़ गई है, तो आप देख सकते हैं इसको पॉज करके आराम से, और डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर अगर आप थोड़ा बहुत बोलोगे तो, बार्गेनिंग करोगे तो इसके अंदर मिल जाएगा। बाकी भी बहुत सारा काम है, आर्म रेस्ट वगैरह भी लगवाना है। रिव्यू दिखा देता हूं मैं आपको कि कैसी लगती है ये व्हील कवर वगैरह लगा के।